Hello one and all, welcome to your favorite channel The Social Indian. I am Sakshi Arora. In the newly introduced series Legal News, I'll try to cover every important aspect of legal aspect of the current affairs, which is very important for all the competitive exams that relates to with the law. For example, LLB entrance, LLM entrance, judiciary, everything. Bahut important questions aate hain. So I'll try to give you a basic understanding of the legal aspect and then we'll discuss in detail, right? So let's get started with very important legal news we have nowadays. That is Epidemic Disease Amendment Ordinance 2020. Before proceeding, I would like to highlight the word ordinance, or being a law student, being a student of law, yeah, preparing for maybe to become a student of law for all the CLAT aspirants. हमें ये पता होना चाहिए कि bill, ordinance, act इनमें क्या फर्क होता है. तो ये ordinance है, अभी bill नहीं है, act नहीं है. तो ये फर्क क्या है, ये आप please research करके मुझे comment box में बताइएगा. मैं wait करूँगी आपके replies का. So now, एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 क्या है, क्यों है? पहले इसके लिए जाना जरूरी है कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट क्या है. ये एक्ट 118 साल पुराना है. इस पर मैं पूरा वीडियो बना चुकी हूँ, शॉर्टेस्ट एक्ट है वो. अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखिए इसी चैनल पर, या फिर मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. तो आप सबसे पहले तो वो देखिए, वो समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं. तो अगर आपने वो देख लिया है, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 क्या है, तो आपको समझ में आ गया होगा वो क्यों है. वो कोरोना वायरस की वजह से आज की डेट में इम्प्लीमेंटेड है. तो अब इस अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, वो भी एक ऐसे इंसिडेंट की वजह से पड़ी जो हमारे देश में हुआ, जो कि बहुत शर्मनाक है. एटलीस्ट मैं उसकी, द सोशल इंडियन की पूरी टीम उसकी कड़ी निंदा करती है. जो डॉक्टर्स पर अटैक हुए, पत्थर मारे गए, उनको नहीं एंटर करने दिया गया, इतना हेट्रेड का वो माहौल क्रिएट किया गया उन डॉक्टर्स के लिए जो अपनी लाइफ, अपनी फैमिली की लाइफ को रिस्क में डाल रहे हैं टू सेव आवर लाइव्स. तो उनके साथ ऐसा बिहेवियर करना बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है, क्योंकि इस टाइम वो वॉरियर्स हैं, वो लड़ रहे हैं. इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रेस, कास्ट, रिलीजन, पॉलिटिक्स, एवरीथिंग, दे आर फाइटिंग फ्रॉम द वायरस टू सेव आवर लाइव्स. तो उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ, तो उसी के अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए गवर्नमेंट ये एक्ट लाई. तो इस एक्ट क्यों आया ये आपको पता चला. अब हम देखेंगे क्या आया इस ऑर्डिनेंस में, क्या क्या बात की गई. पहली तो बात ये की गई कि जो ऐसा कोई क्राइम होगा कि अगर कोई हेल्थ वर्कर्स पर अटैक करेगा, इंटेंशनल अटैक करेगा विद द हेट्रेड फीलिंग, तो वो जो अटैक है वो कॉग्निजिबल होगा और नॉन बेलेबल होगा. कॉग्निजिबल होगा और नॉन बेलेबल होगा. नॉन बेलेबल, उसमें बेल नहीं मिलेगी. कॉग्निजिबल होगा, पनिशमेंट कड़ी होगी और स्पीडी ट्रायल होगा, स्पीडी इन्वेस्टिगेशन होगा. विद इन 30 डेज उस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट किया जाएगा और अक्यूज्ड को 7 साल तक की सजा दी जा सकती है. 6 महीने से मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 7 ईयर्स तक की इम्प्रिजमेंट दी जा सकती है. इसी प्लस फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 लाख. अगर आप लॉ की किताबें पढ़ेंगे, फाइन पढ़ेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा है. वरना लॉ की किताब में 10,000, 1 लाख बहुत फाइन माना जाता है. तो ये एक बहुत अच्छा खासा फाइन इम्पोज किया गया है, ताकि इस लॉ को, इसको और स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जा सके, लोग इसको स्ट्रिक्टली लें. इसलिए पनिशमेंट भी इतनी ज़्यादा है. आप देखेंगे बहुत ही संजीदा मामलों में 7 साल तक की सजा दी जाती है, और ये उतना ही संजीदा है. प्लीज़ इसकी गहराई को समझिए और इसको सपोर्ट कीजिए, द ऑर्डिनेंस को सपोर्ट दीजिए और उनका अगेंस्ट कीजिए. तो इम्प्रूवमेंट भी है, फाइन भी है, दोनों भी इम्पोज किए जा सकते हैं. ये कौन डिसाइड करेगा, ये जज साहब डिसाइड करेंगे. जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है जिसके सामने आपको अक्यूज को अपेयर कराया जाता है, वो पनिशमेंट देंगे, ये लॉ कहता है. इसके बाद जो डैमेजेस हैं, जो व्हीकल्स को या क्लिनिक्स को, मतलब जो हेल्थ केयर वर्कर्स की प्रॉपर्टी को डैमेज कॉज कर रहे हैं, उसके लिए मार्केट वैल्यू से जो डबल अमाउंट है उसका उतना फाइन अक्यूज पे करेगा उस पर्टिकुलर हेल्थ वर्कर को जिसकी वो प्रॉपर्टी है, मार्केट वैल्यू से डबल. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है. तो ये कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं, जो इस ऑर्डिनेंस में है, जो सजेस्ट किए गए हैं, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. कॉग्निजिबल, नॉन बेलेबल, इन्वेस्टिगेशन विद इन 30 डेज, पनिशमेंट 6 मंथ 7 ईयर्स, बिटवीन 6 मंथ एंड 7 ईयर्स, फाइन इम्पोज बिटवीन 1 लाख टू 5 लाख, और अगर व्हीकल प्रॉपर्टी ऑफ हेल्थ वर्कर की इफेक्ट हो रही है तो डबल द अमाउंट वो उसको पे करना है. इसके अलावा ये कब
इम्प्लीमेंट आया. अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो ऑर्डिनेंस जो है वो पास हो गया है दोनों हाउस से, अपर हाउस लोअर हाउस से, विद फॉलोइंग द ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ. थोड़ा सा अर्जेंसी का मैटर है, जल्दी आया है. इसके अलावा सब ने इसको वेलकम किया है, सपोर्ट दिया है, क्योंकि बहुत अच्छे कॉज के लिए और बहुत जरूरी, मच नीडेड लॉ है आज के डेट में. प्रेसिडेंसी कंसेंट के लिए, प्रेसिडेंट का असेंट जब आएगा तो ये लॉ बन जाएगा. अभी जो एक प्रपोजल है, और मैं उम्मीद कर रही हूँ जब तक आप तक ये वीडियो पहुंचेगी और आप देखेंगे, क्योंकि हो सकता है आप वीडियो पब्लिश होने के 2 दिन 3 दिन बाद देख रहे हैं, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये कंसेंट रिसीव हो जाएगा और ये लॉ बन जाएगा. तो इसको पे ये भी अभी जब मैं ये शूट कर रही हूँ तो ये सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन है, बट मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्दी ये एक लॉ बन जाए, इतना कड़ा फाइन दिया जाए, उनको पनिशमेंट दी जाए. तो मैंने आपसे बात कर ली, ये लॉ क्यों आया, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्या है, कब आया, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर हो गए हैं. इसके बाद जब ये लॉ बनेगा तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी इसको पूरी तरह एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि तब हमारे पास पब्लिक डोमेन में ड्राफ्ट भी हमें अवेलेबल होगा. तो इसी के साथ थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए. अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर मेरे उस सवाल का जवाब दीजिए. जॉइन अस इन व्हाट्सएप ग्रुप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सोशल इंडियन टूडल्स.